हाउ डिड वी गेट हियर, ये कोई सवाल नहीं है, ये है माइनक्राफ्ट की सबसे हार्ड अचीवमेंट, और हार्ड से हमारा मतलब है बहुत हार्ड, बहुत ये वाला हार्ड नहीं, मुश्किल वाला हार्ड। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज पार्क एंड माय नेम इज फ्लेम। तो इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट की सबसे मुश्किल अचीवमेंट को पूरा करने की। इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए हमें माइनक्राफ्ट में पोशन से लेकर बीकन तक जितने भी इफेक्ट्स हैं सभी को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। अभी माइनक्राफ्ट में 30 से भी ज्यादा इफेक्ट्स हैं और वार्डन अपडेट आने के बाद इस अचीवमेंट को पूरा करना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी इसे ओशन की जगह एंशिएंट सिटी में करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने में हमें 50 आवर से भी ज्यादा का टाइम लगा है, तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। मेरी इन्वेंटरी पूरी कचरे से भरी हुई थी, तो सामान को रखने के लिए मैंने सबसे पहले एंडर चेस्ट और काफी सारे शिल्कर बॉक्स बनाए और फिर उसमें सामान को ढंग से सॉर्ट किया। और पिछली वीडियो में हमने शुगर केन फार्म बनाया था जो कि काफी मस्त चल रहा था, लेकिन पोटैटो फार्म से हमारे मजदूर भाग गए थे। भाग तो नहीं सकते, वैसे शायद मर ही गए होंगे, लेकिन अभी हमें और भी जरूरी काम करने हैं, तो पोटैटो फार्म को हम बाद में फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने मॉब फार्म पर जाकर टूल्स को रिपेयर किया। मैंने एक फेंस बनाई और साथ वाले पहाड़ से चिकन को लाया। उसके बाद सभी जानवरों को ब्रीड करवाया और थोड़ी फार्मिंग की। पोर्टल बनाने के लिए मैंने ऑब्सिडियन इकट्ठा किया। उसके बाद मैं गया एंशिएंट सिटी में, जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत लूट की। उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल के लिए एरिया क्लियर किया और नेदर पोर्टल बनाकर उसे नेदर रूफ पर लिंक किया। तो आखिर हम नेदर पोर्टल को नेदर रूफ से कैसे कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम एक पोर्टल बनाना होगा और उसके बाद हम जाएंगे नेदर बेडरॉक पर, ऊपर वाले नेदर बेडरॉक पर। उसके बाद लैडर और एंडर पर्ल का यूज करके हमें जाना होगा नेदर रूफ पर, और नेदर रूफ पर जाकर हमें एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर एक और पोर्टल बनाना होगा। फिर हम उस पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में आएंगे और फिर नेदर वाले पोर्टल को हम टीएनटी का यूज करके तोड़ देंगे। बट इसके लिए हमारी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। नेदर पोर्टल को तोड़ने के बाद हम वापस ओवरवर्ल्ड आएंगे और उसके बाद हमारा पोर्टल लिंक हो जाएगा, अगर सारी प्रोसेस ढंग से की तो। अभी और भी काफी सारी जगह पर पोर्टल लिंक करना बचा था, तो एंशिएंट सिटी से उड़कर मैं गया अपने डिफॉल्ट स्पॉन पर। काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैं डिफॉल्ट स्पॉन लोकेशन पर एक पोर्टल क्यों बना रहा हूँ। तो डिफॉल्ट स्पॉन लोकेशन पर पोर्टल बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि जब हम एंड गेट से शल्कर को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो स्पॉन लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाएगा, और उसे मैं बोर्ड से नहीं ले जाना चाहता, तो इसलिए हम उसे नेदर में टेलीपोर्ट कर देंगे। स्पॉन लोकेशन पर पोर्टल बनाने के बाद अब बारी थी तीसरी जगह की, जो थी हमारे घर के पास वाला ओशन मॉन्यूमेंट, जिसे हम यूज करेंगे एल्डर गार्डियन से माइनिंग फटीक का इफेक्ट लेने के लिए। तो ओशन मॉन्यूमेंट के पास जाकर मैंने एक और पोर्टल लिंक किया। उसके बाद वापस घर आकर मैंने एक और बार, जी हाँ, जानवरों को ब्रीड करवाया। तो अब हमारे सारे जरूरी काम हो गए थे, या शायद नहीं, क्योंकि सभी पोर्टल्स को लिंक करने के बाद नेदर रूफ पर अब काफी ज्यादा पोर्टल्स हो गए थे, और ये पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सा पोर्टल किस लोकेशन के लिए है। तो शल्कर लाने से पहले मैंने नेदर रूफ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए और सभी पोर्टल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब बारी थी इस वीडियो का सबसे मुश्किल काम करने की, जो था शल्कर को लाना। तो शल्कर को लाने के लिए हमने थोड़ी बहुत तैयारी की। तो सारी तैयारी करने के बाद मैं गया एंड में। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें कॉन्वर्ट चाहिए था, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि कॉन्वर्ट बनाने के लिए दो चीजें लगती है, पहला हार्ट ऑफ द सी और दूसरा नॉटलस शेल, और हमारे पास इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं था। और लकीली हमारे पास पहले से ही दो ट्रेजर मैप्स थे, जो कि हमें जू वाली वीडियो के टाइम मिले थे। तो चेस्ट मैप लेकर मैं गया ट्रेजर ढूंढने। ट्रेजर वाला एरिया घर के काफी नजदीक था, उस जगह पर पहुंचते ही मैं ट्रेजर ढूंढना शुरू करने वाला था, लेकिन तभी मुझे याद आया शवल तो मैं घर पर ही भूल गया। तो वापस घर जाकर मुझे शवल लाना पड़ा। उसके बाद मैंने ट्रेजर ढूंढना शुरू किया। वैसे तो ट्रेजर काफी इजीली मिल जाता है, लेकिन काफी ज्यादा एरिया क्लियर करने के बाद में मुझे ट्रेजर मिल ही नहीं रहा था। एरिया क्लियर करते हुए मेरा शवल भी टूट गया, लेकिन मुझे ट्रेजर फिर भी नहीं मिला। तो वापस से घर जाकर मैंने दो शवल्स बनाए और दोनों को एन्चेंट करके कंबाइन कर दिया। फिर मैं वापस उसी जगह पर आया और ब्लॉक्स रिमूव करना कंटिन्यू किया। काफी दिनों तक मैं उस एरिया को क्लियर करता रहा और मैंने ट्रेजर ढूंढने के लिए इतने सारे ब्लॉक्स हटाए कि उस जगह पर ट्रेजर ढूंढने लायक ब्लॉक्स ही नहीं बचे, और मुझे लग नहीं रहा था कि उस जगह पर ट्रेजर था भी। शायद माइनक्राफ्ट वालों ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास दूसरा मैप, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, लेकिन दूसरा मैप भी अब सेम लोकेशन दिखा रहा था। अब हमें एक नया मैप चाहिए था, जिसके लिए हमें ढूंढना था एक शिपरेक। तो हम नए मैप के लिए शिपरेक ढूंढने लगे, और काफी देर ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक शिपरेक मिल भी गया, जिसके अंदर ट्रेजर मैप भी था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोकेशन के पास गए और थोड़े बहुत ब्लॉक्स रिमूव करके हमें ट्रेजर मिल भी गया। वो मैप सच में प्रैंक ही था, जिसके अंदर से हमें फाइनली हार्ट ऑफ द सी मिल ही गया। हार्ट ऑफ द सी लेकर हम वापस घर आ गए। घर के अंदर खुद ही एक एंडरमैन घुस गया था, तो मैं उसे बाहर निकालने लगा, लेकिन उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया था। मैं भूल गया था मेरे पास टोटम नहीं है, क्योंकि सारे टोटम्स तो हमने लास्ट एपिसोड में लगा दिए थे।
उसके बाद मैंने फार्म पर जाकर टूल्स रिपेयर किए और रॉकेट्स बनाए और फिर मैंने फाइनली एक शील्ड बनाई। शेल्कर को ओवरवर्ल्ड में लाना काफी बड़ा टास्क है और इसके लिए हमें काफी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें अपना मास्टर प्लान समझाता हूँ। सबसे पहले हम एंड में जाकर एंड गेटवे से एंड सिटी तक रेल ट्रैक्स बिछाएंगे, और अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें याद होगा कि हमने एक ग्लिच का एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था जिसमें सिर्फ दो चीजें लगती थी, एक बोट और एक कार्ट, और उस तरीके से हम शेल्कर को काफी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेल ट्रैक्स बिछाने के बाद हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे और एंड पॉइंट से धक्का देकर शेल्कर स्पॉन पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो जाएगा, और स्पॉन पॉइंट पर मैंने पहले एक पोर्टल बना दिया था तो शेल्कर को हम वहां से भी टेलीपोर्ट करेंगे। फिर शेल्कर दोबारा नेदर में पहुंच जाएगा, उसके बाद दोबारा रेल कार्ट और बोट का यूज करके हम उसे एंशियंट सिटी वाले पोर्टल तक पहुंचाएंगे और फिर उसे वहां से टेलीपोर्ट करके हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एंड में आने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत ही कम रेल ट्रैक्स थी और साथ ही मेरे पास आयरन भी नहीं था और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी घर से बहुत ही ज्यादा दूर थी, तो जिसका मतलब था कि मेरी लंका लग चुकी है। बट एनीवेज मैंने शेल्कर को लाने की प्रोसेस शुरू की और हमारा पहला ही शेल्कर बहुत ही इजीली आ गया। कोई बात नहीं है, एक और बार ट्राई करते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा शेल्कर लाया और जैसे ही मैंने दूसरे शेल्कर को भेजने की ट्राई की तो उसकी गाड़ी रुकी ही नहीं, पर वो शेल्कर शायद अंधा था या उसकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं थे। पर मैंने उसे रोकने की भी ट्राई की पर उसके कुछ और ही प्लान्स थे। उसके बाद मैं सबसे पहले घर गया और वहां से सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया, और इसके साथ ही हमारा आयरन फार्म जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, तो हमारे पास अंधा आयरन था। सामान इकट्ठा करने के बाद मैं फिर से एंड में गया और फिर से मिशन शेल्कर को शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा रेल ट्रैक बनाया और लकीली हमारा एंड गेटवे हमारी एंड सिटी से काफी ज्यादा क्लोज था तो इस काम में ज्यादा रेल ट्रैक्स नहीं लगे। उसके बाद मैंने शेल्कर को फाइनली कार्ट में बिठाया और वो एंड गेट से टेलीपोर्ट भी हो गया, तो अब बस उसे फाउंटेन से टेलीपोर्ट करना बचा था। लेकिन वो शायद वहां से नीचे गिर गया, लगता है उसकी गाड़ी में भी ब्रेक्स नहीं थे। उसके बाद मैंने एक और शेल्कर को ट्रांसपोर्ट किया और जी हाँ, इस बार मुझे इनविजिबिलिटी पोशन पीना पड़ा क्योंकि उनके दोस्त खुद ही बाहर टेलीपोर्ट हो गए थे और वो मुझे शायद वॉलीबॉल समझ रहे थे। बट शेल्कर इस बार भी काफी इजीली गेटवे से टेलीपोर्ट हो गया। ये काम इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। नॉटला शेल हमें दो तरीकों से मिल सकता था, पहला मछुआरा बनकर और दूसरा त्रिशूल वाले ज़ॉम्बी से, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। तो एक फिशिंग रॉड बनाकर मैंने उसे एन्चेंट किया, जिस पर मुझे काफी अच्छे एन्चेंटमेंट्स नहीं मिली, सिर्फ अनब्रेकिंग थ्री मिली। फिर मैंने फाइनली फिशिंग करना शुरू किया। फिशिंग करते हुए दिन से रात हो गई लेकिन मुझे सिर्फ मरी हुई मछली मिली, तो अब टाइम था प्लान नंबर दो यूज करने का, जो था त्रिशूल वाले ज़ॉम्बी से शेल इकट्ठा करना। वैसे तो त्रिशूल वाले ज़ॉम्बी भी इजीली मिल जाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों पर वो भी ट्रेजर की तरह मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन रात के टाइम मुझे फाइनली एक त्रिशूल वाला ज़ॉम्बी मिल ही गया और चमत्कारी तरीके से उसके हाथ में त्रिशूल की जगह शेल था, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। उसे मारकर फाइनली हमने अपना पहला शेल इकट्ठा किया। अब हमें चाहिए थे सिर्फ 7 शेल जो कि काफी जल्दी मिल जाएंगे शायद। अगले 3-4 दिनों तक मैं सिर्फ नदियों में मछली बनकर घूमता रहा और मुझे एक भी ड्रॉनर नहीं मिला, तो दुखी होकर मुझे वापस घर आना पड़ा। फिर मैंने एक नई फिशिंग रॉड बनाई जिसे एंचेंट करके मुझे लूटिंग लूअर और लक ऑफ द सी बिल्कुल भी नहीं मिली, फिर से अनब्रेकिंग 3 मिली। उसके बाद मैंने काफी देर तक फिशिंग की और मुझे काफी सारी मरी हुई मछलियां मिली। मरी हुई मछलियां देखकर मैं तंग हो गया था तो मैंने एक AFK फिशिंग फार्म बनाने का सोचा जिससे कि हमें काफी अच्छे आइटम्स और शेल्स मिल सकते थे। तो मैंने सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया और फार्म बिल्ड करना शुरू किया। जल्दी फार्म बिल्ड भी हो गया लेकिन फार्म टेस्ट करने से पहले हमें और भी जरूरी काम करना था जो था पोशन बनाना, तो मैंने पोशन बनाना शुरू किया। काफी देर तक काम करने के बाद ऑलमोस्ट सारे पोशन तैयार हो गए, बचे थे सिर्फ 2 पोशन, पोशन ऑफ हीलिंग और पोशन ऑफ टर्टल मास्टर। पोशन ऑफ हीलिंग के लिए हमें चाहिए था गैस टीयर, तो गैस टीयर के लिए मैं नेदर में गया। थोड़ी आगे जाकर ही मुझे ब्राउन मशरूम मिल गई और क्योंकि हमारे पास सारी ब्राउन मशरूम खत्म हो गई थी तो मैंने उसे कलेक्ट कर लिया। गैस टीयर लेकर मैं वापस घर आ गया। स्पार्क को पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी चाहिए था तो पोशन लेकर मैं गया एंड में। पोशन देकर मैं वापस घर आया, फिर मैंने काम कंटिन्यू किया और सभी पोशन को स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट किया। अब मुझे बनाना था सस्पिशियस 2 जिसके लिए चाहिए था रेड मशरूम, ब्राउन मशरूम और अजूर ब्लोइट। ब्राउन मशरूम और अजूर ब्लोइट हमारे पास पहले से थे, हमें चाहिए थी रेड मशरूम, तो रेड मशरूम लाने के लिए मैं नेदर में गया और घर आकर फाइनली सस्पिशियस 2 बनाया। मैं शांति से अपना काम कर रहा था लेकिन फिर से स्पार्क ने मुझे एंड में बुला लिया क्योंकि इस बार उसे पोशन ऑफ रीजनरेशन चाहिए था। चेस्ट में कुछ पोशन ऑफ हीलिंग भी थे तो पोशन ऑफ रीजनरेशन और हीलिंग लेकर मैं वापस से एंड में गया। सबसे पहले मैंने शेल्कर के ऊपर पोशन फेंका और बाकी के पोशन स्पार्क को दे दिए, फिर मैं वापस घर आ गया। काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद मैंने
मैंने फाइनली शेल्कर को ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर ही दिया, बट जब मैंने एंड फाउंटेन से जंप की तो मैं स्पॉन पॉइंट की जगह घर में स्पॉन हुआ, क्योंकि मेरा रिस्पॉन पॉइंट घर में सेट था। तो मैं जल्दी से उड़कर स्पॉन पॉइंट पर गया और लकीली हमारा प्लान काम कर गया। शेल्कर भाई बोट के अंदर बैठे थे, बस अब उन्हें एंशियंट सिटी में ले जाना बचा था, जिस काम में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। पर शेल्कर भाई को हमने एंशियंट सिटी में पहुंचा ही दिया, तो एटलीस्ट हमारा सबसे मुश्किल काम कंप्लीट हो गया। बट शेल्कर भाई बोट की जगह वॉल में चिपक गए, तो हमने उन्हें वहीं पर रहने दिया और साथ ही उस पर रिजनरेशन का पोशन फेंक कर उसकी हेल्थ पूरी कर दी। सारे पोर्टल घर से काफी ज्यादा दूर थे, तो मैंने घर में एक पोर्टल बनाकर उसे नेदर रूप से लिंक कर दिया। उसके बाद मैंने मॉब फार्म पर जाकर टूल्स रिपेयर किए। उसके बाद मैं एंशियंट सिटी में गया, जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस के लिए जगह बनाई और शेल्कर को वूल से कवर कर दिया। लेकिन अभी भी एक और प्राणी को लाना बचा था, जो थी एक डॉल्फिन, जिससे हमें मिलने वाला था डॉल्फिन ग्रेस का इफेक्ट। और लकीली हमने पहले से ओशन मॉन्यूमेंट के पास एक पोर्टल बनाकर रखा था, तो डॉल्फिन के लिए एक अलग से पोर्टल बनाने की जरूरत नहीं थी। और डॉल्फिन को लाना शेल्कर को लाने से काफी इजी था, क्योंकि डॉल्फिन को हम लीड से भी ला सकते थे, तो ये काम हमने काफी इजीली कर दिया। बट फाइनली हमने एक डॉल्फिन को कैप्चर कर ही दिया और उसे हमने एक शानदार सा नाम दिया, जो था मछली जल की रानी। और वो डॉल्फिन भी थोड़ी देर बाद मर गई। तो उसके बाद हम वापस घर आ गए। पोर्टल लिंक करने का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमें एक और जगह पर पोर्टल बनाना था और वो था पिलेजर आउटपोस्ट, जहाँ से हमें मिलने वाला था बैड ओमन का इफेक्ट। तो थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन इकट्ठा करने के बाद मैं गया पिलेजर आउटपोस्ट पर, और पिलेजर आउटपोस्ट हमें पहले ही मिला हुआ था, तो आउटपोस्ट की लोकेशन पर मैं काफी जल्दी पहुंच गया। लेकिन जब मैं वहां पर पोर्टल लिंक करने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो TNT ही नहीं थे, लेकिन पिलेजर आउटपोस्ट रेगिस्तान में था और हमें गॉड एप्पल की जरूरत भी थी, और डेजर्ट टेम्पल से हमें वो दोनों चीजें मिल सकती थी। तो मैंने रेगिस्तान को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और वहाँ पे मुझे एक विलेज मिली, और विलेज के थोड़ी आगे मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल गया, लेकिन वहाँ पर गॉड एप्पल था ही नहीं। पर एटलीस्ट मुझे वहाँ से TNT मिल गए। तो फाइनली मैंने पोर्टल को लिंक कर दिया और उस पोर्टल से मैंने घर तक नेदरराइट का एक रास्ता बना दिया। और उसके बाद मैं वापस घर आ गया। अब सिर्फ एक पोशन बचा था, जो था पोशन ऑफ टर्टल मास्टर। इस चैलेंज को करने से पहले हमें ये भी नहीं पता था कि माइनक्राफ्ट में ऐसा कोई पोशन भी है, बट इस पोशन को बनाने के लिए हमें चाहिए था टर्टल शेल, जो कि बनता है स्क्यूट से, और स्क्यूट मिलता है छोटे कछुए के बड़े होने पर। तो घर के पास आकर मैं पानी में कछुए ढूंढने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे कछुए मिल भी गए, तो उन्हें सी ग्रास का लालच देकर मैंने कैप्चर कर दिया। फिर मैं उन कछुओं को ब्रीड करवाने लगा, लेकिन उनमें से कछुआ घास ही नहीं खा रहा था। मैंने उस कछुए को घास खिलाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी घास नहीं खाया। आई थिंक वो कछुआ शरीफ घर से होगा, तो दया करके मैंने उसे आजाद नहीं किया। इसे हम अपने जू में रखेंगे, और जू में पहले से एक कछुआ भी है, तो हमें ब्रीड करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कछुए को लेकर मैं वापस घर आया और उसे दूसरे कछुए के साथ जू में डाल दिया। फिर मैं उन कछुओं को ब्रीड करवाने लगा, लेकिन इस बार भी उस कछुए ने घास नहीं खाया। ये कछुआ सच्ची में शरीफ घर का है। उसके बाद मैं गया अपना फिश फार्म टेस्ट करने, और उस फिश फार्म पर काफी देर एफके करके मुझे मरी हुई मछलियां मिली। फिर मैंने फैसला किया फोर्ट्रेस में जाकर विदस का इकट्ठा करने का, तो मैं नेदर में जाने लगा। लेकिन हमारे पोर्टल को स्पार्क ने फास्ट ट्रैवल के लिए नेदर रूफ के ऊपर लिंक कर दिया था, तो जू से आगे मुझे एक नया पोर्टल बनाना पड़ा। इस बार मैं अपने साथ काफी सारा खाना और रॉकेट्स ले गया था, क्योंकि लास्ट बार जब मैं फोर्ट्रेस में आया था तो मेरा खाना और रॉकेट दोनों खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा टोटम भी यूज हो गया था। तो फोर्ट्रेस में पहुंचकर मैंने विद स्केलेटन्स मारना शुरू किया। काफी ज्यादा मजदूरी करने के बाद फाइनली स्कल्स इकट्ठा हो ही गए। फिर मैं वापस घर की तरफ आने लगा। घर को आते आते 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, लेकिन फिर भी मैं पोर्टल के पास नहीं पहुंच रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन काफी ज्यादा सोचने के बाद मुझे पता चला कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो मुझे स्पार्क से पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स पूछने पड़े, लेकिन आखिरकार मैं पोर्टल के पास पहुंच ही गया। घर आकर मैं कछुओं को ब्रीड करवाने के लिए जू में गया, और जू में जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। शरीफ कछुआ वहां से भाग गया था। आई गेस हमने शरीफ कछुए को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। शरीफ कछुआ इतना भी शरीफ नहीं था। नेदर पोर्टल भी घर से काफी दूर था, तो हमने वहां पर भी एक पोर्टल बनाने का सोचा। तो मैं जल्दी से उड़कर स्ट्रॉन्ग होल्ड में गया और वहां जाकर पोर्टल को लिंक किया, और फिर पोर्टल से घर तक एंड स्टोन से रास्ता बनाया। तो काफी सारे लोगों का ये सवाल भी होगा कि मैं इतने सारे अंडे इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ, क्या पता हम फ्यूचर में और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें। तो उसके लिए हमें और भी काफी सारे विदर रोज लगेंगे, तो अगर इस बार हम बहुत सारे विदर रोज इकट्ठा कर देंगे तो अगली बार हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। तो मैंने काफी देर तक टर्टल एग्स के हैच होने का वेट किया, बट सैडली कोई भी एग हैच नहीं हुआ। और घर में मैंने इतने ज्यादा जानवर ब्रीड करवा दिए थे कि वहां पर गेम ही नहीं चल रही थी, तो मैंने जानवरों का पैकअप कर दिया। बट जैसे कि मैंने बताया था कि हमें काफी सारे चिकन एग्स चाहिए थे, तो चिकन्स को मैंने नहीं मारा, बट इनका टाइम भी
जल्दी आ जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से टर्टल्स के पास जाकर एफके किया, पर फिर से कोई भी एग हैश नहीं हुआ। तो मैंने एक और कछुए को लालच देकर कैप्चर कर दिया और फिर उन टर्टल्स को ब्रीड करवाया और उतने में एक एग हैच भी हो गया। तो उसके बाद भी मैं काफी टाइम तक वही रहा और थोड़ी देर बाद ही चार और टर्टल हैच हो गए। उन्हें मैंने सीवीड खिलाकर बड़ा कर दिया और फाइनली हमारे पास 5 क्यूट हो गए, जिनका मैंने टर्टल शेल बना दिया। और अब हमारे पास इतने सारे टर्टल एग्स हो गए थे कि हम इनकी दुकान भी खोल सकते थे। लेकिन टर्टल एग्स के बाद अब बारी थी चिकन एग्स की। काफी देर चिकन्स को ब्रीड करवाने के बाद मैंने काफी सारे एग्स इकट्ठा कर दिए थे। तो अब चिकन्स की हमें कोई भी जरूरत नहीं थी, पर मैंने उन चिकन्स को मारने के लिए एक अनोखा प्लान सोचा और वो था उन्हें जलाकर मारने का। तो मैंने उनमें आग लगाई और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो प्लान ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया या तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो उसके बाद मुझे उन सारे चिकन्स को तलवार के साथ मारना पड़ा और वो भी एक एक करके। बट कोई बात नहीं है, ऐसी गलतियां तो होती रहती है। पर उसके बाद मैंने सारी शेल्कर बॉक्स और एंड चेस्ट को एग्स से भरा और उन एग्स को लेकर मैं गया एंड में। एंड में मैंने काफी सारी चेस्ट बनाई और उन सभी एग्स को वहीं पर रख दिया। अभी भी हमारे पास सिर्फ एक ही गॉड एप्पल था। तो घर जाने से पहले मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्सप्लोर किया, लेकिन वहां पर मुझे मॉब्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो काफी देर तक मैं एक्सप्लोर करता रहा। और एक रून पोर्टल से मुझे गॉड एप्पल मिल ही गया। फिर मैं मॉन्यूमेंट वाली जगह पर नए कछुए ढूंढने गया और वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे एक बोट में कछुआ दिखाई दिया और वो कछुआ कोई और नहीं बल्कि शरीफ कछुआ था, जो कि बोट लेकर एस्केप कर रहा था। शरीफ कछुआ तो हैवी ड्राइवर निकला। तो मैं एक और कछुए को उस जगह पर लाया और फिर शरीफ कछुआ और दूसरे कछुए को घास खिलाया और इस बार पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, लेकिन शरीफ कछुए ने घास खा ही लिया और आखिरकार अंडे स्पॉन हो ही गए, जिसका मतलब था कि शरीफ कछुआ शरीफ नहीं रहा। लेकिन अंडे हैच होने में काफी टाइम लगने वाला था, तो मैं वापस से घर गया और वहां से फिशिंग रॉड ले आया और फिर मैं फिशिंग करने के साथ ही अंडों के हैच होने का वेट करने लगा। पहले एक दिन हुआ, फिर दो, फिर तीन, फिर चार और ऐसे करते करते बहुत सारे दिन हो गए, लेकिन न ही अंडे हैच हुए और न ही शेल मिले। मिली तो सिर्फ एक चीज, जो थी मरी हुई मछलियां। उस जगह के साथ ही रिवर बायोम भी थी और रिवर बायोम में ड्रोनर स्पॉन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और ऐसा लग नहीं रहा था कि फिशिंग से कुछ मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ड्रोनर फार्म बनाऊं, जिससे कि हमें शेल के साथ ट्राइडेंट भी मिल सकते थे। तो मैं घर जाकर फार्म बनाने का सामान इकट्ठा करने लगा। फिर मैंने फिशिंग फार्म को लास्ट चांस देने का सोचा और उसमें थोड़ी देर एफके किया, लेकिन उसमें वही मिला जो इतनी देर से मिल रहा था। सामान इकट्ठा करने के बाद मैं वापस उसी जगह पर आया और फिर फार्म बिल्ड करना शुरू किया। काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली फार्म रेडी हो गया और अब टाइम था उसे टेस्ट करने का। तो मैंने बहुत देर तक एफके किया। उस फार्म में बहुत ही सारे ड्रोनर स्पॉन हुए, जिन्हें मारकर हमें बहुत सारे शेल्स और ट्राइडेंट मिले। काश मैं ऐसा बोल सकता। उस फार्म में थोड़े बहुत ड्रोनर्स तो क्या, एक भी ड्रोनर स्पॉन नहीं हुआ। मैंने फार्म के आसपास की केव्स में टॉर्चेस भी लगाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और एंड में हार मानकर मुझे वापस घर आना पड़ा। अब बारी थी विदर रोज कलेक्ट करने की। तो मैंने सभी चिकन एग्स को हैच किया और चिकन की पूरी आर्मी ही बन गई और ऐसा लग रहा है कि ये चिकन विदर को भी मार देंगे। 12 seconds later. मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिकन विदर को भी मार सकते हैं। विदर भैया को चिकन ने ही मार दिया और सैडली मुझे अचीवमेंट ही नहीं मिली। विदर ब्लास्ट से सारे चिकन तो नहीं मरे, पर फिर भी हमें वहाँ से काफी सारे विदर रोज मिल गए। तो उसके बाद मैं वापस घर आया और मैंने एक और बीकन बनाया और ढेर सारे आयरन ब्लॉक्स लेकर मैं गया एंशियंट सिटी में, जहाँ पर मैंने एक आयरन पिरामिड बनाया और बीकन को एक्टिवेट किया। उसके बाद मैं फ्लेम के फार्म पर एएफके करने गया और काफी देर तक एएफके करने के बाद वो फार्म चल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या घटिया फार्म बनाया था। और इतना ज्यादा टाइम बर्बाद करने के बाद मैं नहीं चाहता था कि हमारा और टाइम भी बर्बाद हो जाए, तो मैंने एक नया फार्म बनाने का सोचा और ये वाला फार्म काफी बड़ा होने वाला था। बट एटलीस्ट वो इस घटिया फार्म से तो अच्छा ही काम करेगा। इस फार्म को रिवर बायोम में बनाना था और इसके लिए काफी स्पेस भी चाहिए था। तो काफी देर ढूंढने के बाद मुझे एक एरिया मिल ही गया, लेकिन वो घर से काफी दूर था। तो जी हाँ, वहां पर भी मैंने एक पोर्टल बना दिया और उसके बाद फार्म पर काम करना शुरू किया।
घर आकर मैंने सबसे पहले एक हेलमेट बनाया, फिर मैंने मॉफार्म के पास जाकर टूल्स रिपेयर किए क्योंकि मेरे पुराने हेलमेट पर मेंडिंग नहीं थी तो वो टूट गया। कुछ पोर्शन मैंने स्पार्क को दे दिए थे तो उन्हें बनाने के लिए मुझे दोबारा सामान इकट्ठा करना पड़ा। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें थी, बची थी सिर्फ एक चीज जिसे हम काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, मतलब नॉटलस शेल। फिशिंग और फार्म से कुछ भी नहीं होने वाला था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिजिबल ट्विंस को इंस्टा पर फॉलो कर दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नया और ज्यादा एफिशिएंट फिश फार्म बनाऊं, तो मैंने नए फार्म के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। ये फार्म पुराने फिश फार्म से काफी एडवांस था तो इसे बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। अब टाइम था उस फार्म को टेस्ट करने का, तो मैंने काफी देर तक एफके किया और वो फार्म सही में काफी एडवांस था क्योंकि उसने हमारे एडवांस सेल लगा दिए। उस फार्म में शेल्स तो क्या, मरी हुई मछली भी नहीं मिल रही थी। आई डोंट थिंक गाइस मैं और फार्म बना पाऊंगा, इतना धोखा तो लोगों की एक्स नहीं देती जितना इन फार्म्स ने मुझे दिया है। हार मानकर मैंने पोशन बनाए और पोशन के साथ इस पार्क का ट्राइडेंट फार्म भी पूरा हो गया। और क्योंकि मेरे पास लूटिंग 3 थी तो मैं जल्दी से इस पार्क के फार्म के पास गया और सिर्फ 5 मिनट एफके करने के बाद ही हमने 7 शेल्स इकट्ठा कर भी दिए, जिसका मतलब था मैंने फार्म बनाकर फालतू की मेहनत की। शेल्स लेकर हम वापस घर आए और फाइनली हमने कॉन्डुइट बना ही दिया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये हॉरर मूवी का सीन है। तो अब सिर्फ एक ही काम बचा था और वो था अचीवमेंट को पूरा करना। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम गाइस, ज्यादा बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि आसपास कोई स्कल शिकर ही नहीं था, जिसका मतलब था कि हमें सारा सामान यानी शेल्कर से लेकर नैदर पोर्टल तक हर एक चीज दोबारा मूव करनी पड़ेगी। और उस काम में ज्यादा टाइम नहीं लगा बल्कि बहुत ज्यादा टाइम लगा। पर जैसे तैसे हमने सारा सामान नई लोकेशन पर लोकेट कर दिया। उसके बाद हमने एडवांसमेंट की सारी तैयारी की और नया श्रीकर भी अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन उसे पूरा करने से पहले हमें दो और इफेक्ट चाहिए थे, जो थे हीरो ऑफ द विलेज और बैड ओमन। तो रेड करवाने के लिए हम पिलेजर आउटपोस्ट वाली विलेज पर गए और वहां पर हमने रेड करवाई। रेड करवाकर हमें वहां से काफी सारे टोटम भी मिल गए। और रेड करवाते करवाते हमें एक अनोखी चीज पता चली। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम रेड करवा रहे हो और रेड में सिर्फ एक ही पिलेजर बचा है, लेकिन वो मूर्ख पिलेजर कहीं केव में चला गया है और काफी देर ढूंढने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिल रहा? तो पहले मुझे लगता था कि इसका कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन इतने साल माइनक्राफ्ट खेलने के बाद हमें पता चला कि उस घंटी को बजाने से पिलेजर्स की लोकेशन रिवील हो जाती है। इतने साल मुझे यही लग रहा था कि ये घंटी किसी मंदिर के लिए है। रेड खत्म होने के बाद हमें फाइनली हीरो ऑफ द विलेज का टाइटल मिल ही गया और वापस आते हुए हमने प्लेजर आउटपोस्ट के पास रेड कैप्टन को मारकर बैड ओमन भी ले ली। उसके बाद हम मॉन्यूमेंट के पास गए और माइनिंग फटीग ली। और जब हम एंशिएंट सिटी में वापस आए तब हमें ध्यान आया डॉल्फिन तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन डॉल्फिन लाने का हमें पहले से एक्सपीरियंस था तो उसे इजीली कैप्चर करके हम एंशिएंट सिटी में ले आए और फिर हमने एडवांसमेंट शुरू की। इस अचीवमेंट को हम एक एक करके पूरा करने वाले थे, तो पहले अचीवमेंट को स्पार्क ने कम्प्लीट किया और उसके बाद मैंने, और इसी के साथ हमने माइनक्राफ्ट की हार्डेस्ट अचीवमेंट पूरी कर ही दी। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।